रही वर्षा के कारण नदियां उफान पर हैं। नदियों के किनारे बसे गांव में पानी घुस जाने की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं किसानों के खेतों में खड़ी धान की फसलें भी नष्ट हो गई हैं। लगातार 36 घंटे से हो रही वर्षा के कारण शक्ति फार्म के गांव अरविंद नगर, राजनगर, गुरुग्राम सहित तमाम गाँव के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और फसलें बर्बाद हो गई। मौके पर पहुंचे तहसीलदार, पटवारी सहित पुलिस प्रशासन ने हुए जानमाल के नुकसान का जायजा भी लिया। ग्राम प्रधान अशोक माली ने बताया कि रात्रि 2:30 बजे से ही लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं। फिलहाल गांव के ही प्राइमरी स्कूल में लगभग 250 से 300 परिवार के रहने की व्यवस्था कर दी गई है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य मालती बिश्वास एवं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल द्वारा पीड़ित परिवारों के लिए राशन, बच्चों के लिए दूध आदि की व्यवस्था भी कर दी गई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे बहादुर सिंह जी ने बताया कि क्षेत्र में लगे 80% धान की फसल को नुकसान पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जी से बात कर फसल पर तय की गई नमी प्रतिशतता को 17% से बढ़ाकर 19% की जाएगी। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि इस बेमौसमी बरसात के कारण किसानों की नष्ट हुई फसल का उनको सही मुआवजा मिल सके। मैं चीकाघाट से चला हूँ उस्तारगंज से। सभी जगह पर स्थिति जो है किसानों की बहुत बड़ा दुर्दशा है। 80% धान शक्ति फार्म एरिया में यहाँ खड़ा है और इसमें बहुत बड़ा किसानों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसान यहाँ पर 5 एकड़ भूमि से ज़्यादा नहीं है, कटती कटती 2 एकड़, 1 एकड़ भूमि में धान लोगों ने बो रखा, तो इस बाढ़ से बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। मैं तो गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा और मैं बंसीधर भगत जो सहकारिता मंत्री उनसे भी आज ही बात करूँगा, जो मॉइस्चर की 17% का रखा है इसको 19% तक कर दिया जाए, और जो काले दाने में डैमेज के लिए धान को कांटे पे रोका जाता है वो काले दाने को भी डैमेज में ना मानते हैं, किसानों का धान जो है इसमें तलाया जाए, किसानों को इस बेमौसमी बरसात से किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। गवर्नमेंट जिनका फसल का नुकसान है उनकी भरपाई करने के लिए अपने सात साधनों से यहाँ पर आके उनके पर एकड़ के हिसाब से जितनी एवरेज में खराब हुआ है उनको उनका धनराशि दिलवाई जाए, जो लोग यहाँ पर अपना गुजर बसारा कर सके। नुकसान नहीं गया, नुकसान तो धान का क्या है, बहुत ही ज़्यादा, और हर घर पे जितने भी बंदे के अंदर जो घर हैं उसमें सारे घर में पानी घुस चुका है। और हम लोगों ने बचाव कार्य लिए, हमारे प्रशासन मुस्तैद रहा, तहसीलदार, पटवारी सारे आए अधिकारी, और उनसे मैंने आग्रह किया था रात के 3 बजे से, और 3 बजे मेरे पास फोन आया तो मैं जितने भी हमारे पीड़ित हैं उनको मैंने सूचना दिया कि आप बाहर आए, जान बचे तो ना खो पाएँ। इस हिसाब से मैंने रातों रात हमने प्रशासन को भी फ़ोन किए और तहसीलदार साहब को फ़ोन किया, जो सुबह जो है 5 बजे वो लोग हमारे यहाँ आ गए और बचाव कार्य चलता रहा। उसके बाद हमारे पास नाव की व्यवस्था नहीं थी, जैसे तैसे हम लोगों ने ट्यूब जो है व्यवस्था किया और ट्यूब से जो है लोगों को बचाने की कोशिश की, और हमने जितने भी पानी के अंदर थे लोग उनको हम जो है गाँव के अंदर लेके आए। इसे मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे धानों के नुकसान गए वो जांच कर SDM महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, तहसीलदार महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, कृपया जांच करके आप जो हैं हमारे जितने भी किसान भाई हैं जितना नुकसान गया उनका मुआवजा दें।